हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज मैं मूली के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने एक मूली ले ली है और इसको छील के धो लिया है अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है ये देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन एक कप बेसन मैंने लिया है ये इसमें मिला देंगे बहुत ही झटपट बन जाती है ये सब्जी और मूली बच्चे नहीं खाते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे साथ ही साथ मैंने कुछ हरी मिर्च चॉप करके डाल दी है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर एक छोटे चम्मच से मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है मूली का पानी निचोड़ना नहीं है अगर आप मूली का पानी निचोड़ लेते हैं तो बहुत ही बेटर टाइट बन जाएगा तो मूली का पानी हमने निचोड़ा नहीं है इसमें फिर मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है कोफ्तों में अब हम इसे हाथों से मिला लेंगे अच्छे से थोड़ा सा लूज बैटर ही रखेंगे टाइट बैटर रखने से कोफ्ते टाइट बनते हैं इसीलिए लूज बैटर रखेंगे अगर आपको ज़्यादा ही लूज लगता है तो थोड़ा सा बेसन आप और मिला सकते हैं लेकिन इतना आपको ऐसे जिस हिसाब से अब ये दिख रहा है इतना ही लूज आपको बनाना है मैंने एक पैन में सरसों का तेल गरम कर लिया है जिसमें मैं ये शैलो फ्राई कर रही हूँ आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं लेकिन शैलो फ्राई करने से ही अच्छा आता है फ्लेवर तेल भी कम लगता है क्योंकि आजकल तेल हर चीज़ में तेल खा खा के बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है कम तेल में बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है तो इसीलिए मैं कम तेल में इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ इसमें अपने शेप के हिसाब से जिस भी शेप में आप बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इन कोफ्तों को इसमें डाल सकते हैं मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे अच्छे से और हल्के हाथों से इसे पलटा लेंगे ये देखिए बन रहे हैं आराम से पहले हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे और जैसे इसे एक बार पलटाने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पे इसे अंदर तक पकने देंगे ये देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना के चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसे सब्जी कोफ्ते की बनाने जा रही हूँ ये देखिए बन चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे ये देखिए अब हम दूसरा बैच भी बना लेंगे सारे एक एक करके सारे कोफ्ते मैं इसमें डाल रही हूँ मेरी रेसिपी में आपको हेल्दी चीज़ें ही मिलेंगी आप नोट करिएगा किसी में भी ज़्यादा तेल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा तेल खाने से बहुत ही नुकसान होता है कम तेल खाने से बहुत ही अच्छा रहता है स्वाद भी है और सेहत भी है तो इस तरीके से आप बना के मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी तो एक एक करके मैंने फिर से दूसरे बैच में भी सारे ये डाल दिए हैं और इसको भी हमने लो फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक पका लिया है और इसे भी हम निकाल लेंगे ये देखिए ये कितनी टेस्टी लग रही है आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं अब हम सेम इसी पैन में थोड़ा सा जीरा डालेंगे और ये टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं इसको मैंने पेस्ट बना के और इसमें डाल दिया है बिना प्याज और लहसुन की सब्जी बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी अब इसे आराम से मिला लेंगे ये देखिए अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो टमाटर आप ज़्यादा ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे याद रहे कि हम उन्हें कोफ्तों में भी नमक डाला हुआ है तो ध्यान से ही नमक डालना है साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर इसके बाद डालेंगे इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया लिया है और एक ही चम्मच मैंने हल्दी लिया है छोटे चम्मच से साथ ही साथ एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं कम डाल सकते हैं अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो मिर्च आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च रख सकते हैं इसको मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर पकने देंगे दो से तीन मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी डालने से सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है तो कस्तूरी मेथी आप सब्जी में बहुत बहुत ही डालें ये देखिए इसको अच्छे से हम मिला लेंगे साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च इसको भी मिला लेंगे अच्छे से मसालों को दो से तीन मिनट भुनने देंगे आराम से देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें ग्रेवी एडजस्ट कर लेंगे जिस हिसाब से जितना भी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं मैंने दो कप पानी इसमें डाल दिया है ये ग्रेवी अभी आपको पतली लग रही है लेकिन जब इसमें कोपते जाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाती है जब एक उबाल आ जाए ग्रेवी में तो हम एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसके बाद हम कोफ्ते डालेंगे कोफ्ते बिल्कुल एंड में डालें कोफ्ते डालने के बाद सिर्फ़ दो मिनट के लिए ही इसे पकाना है नहीं तो कोफ्ते ज़्यादा ही नर्म हो जाते हैं और गलने लगते हैं अब मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे और ढक देंगे सिर्फ दो मिनट के लिए ही पकाना है इसे दो मिनट के बाद मैं चेक करूँगी ये देखिए सब्जी बन चुकी है गैस को बंद कर देंगे इसे मिला लेंगे अच्छे से अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस ताकि आपके पास मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और ये देखिए कोफ़्ते कितने टेस्टी लग रहे हैं ये देखिए आप इसे चावल पराठे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से कितना नर्म है और कितना ही सॉफ्ट रुई की तरह है ये ये देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे बच्चे भी पसंद ज़रूर खाएंगे और मेहमानों को भी बहुत अच्छे लगेंगे ये कोफ्ते ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है थैंक्स फॉर वॉचिंग